अस्सलाम वालेकुम आई एम मोहम्मद बिलाल द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ फॉरेंजिक टॉक्सिकोलॉजी इसमें सबसे पहले हम जो है वो कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम जो है वो क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं उसके बाद फ़्रेंजिक टॉक्सिकोलॉजी जो है ये क्या होती है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन -कौन, कौन कौन से हैं कौन कौन से सैम्पल्स हैं जो हम इसके अंदर एनालाइज़ कर सकते हैं उसके बाद डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स है इंस्ट्रूमेंटेशन है टेस्टिंग टाइम्स और लास्ट में हम देखेंगे कि ड्रग और पॉइजन जो है हम किस तरह जो है वो इसका टेस्ट कर सकते हैं लेबॉर्टरी के अंदर सबसे पहले है वट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन से पहले जो है दो टर्म्स जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि टॉक्सिन और डोज टॉक्सिन क्या होता है कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस एक पॉइजनस सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हो इन हायर प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़ के अंदर उसको हम नाम देते हैं टॉक्सिन का उसके बाद है डोज़ डोज हमारे पास क्या है कि डोज़ जो है वो मेक्स द पॉइज़न ठीक है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है टॉक्सिकोलॉजी का लेकिन जो एक्चुअल स्टडी है टॉक्सिकोलॉजी की वो जो है वो कंप्लेक्स है इस प्रिंसिपल की ठीक है मतलब कि डोज़ क्या है मकदार है मतलब हमारे पास एक जो ड्रग है या जो प्रॉपरली एक पर्सन जो है वो यूज़ कर रहा है उसकी एक खास कंसनट्रेशन जब तक रहेगी तब तक वो पॉइजन नहीं होगा लेकिन जैसे ही उसकी कंसन्ट्रेसन जो है वो एक रेंज से जो फिक्स है उससे ज़्यादा होगी तो क्या करेगा वो पॉइजन काज करना शुरू कर देगा ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि डोस मेक्स द पॉइजन उसके बाद एंड टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर हम आ जाते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है कि ये स्टडी ऑफ नेचर effects and detection of poison and treatment of poisoning ke matlab मतलब, study of nature effects aur jo poison ki detection aur uska jo hai wo iske treatment of poisoning ko hum naam dete hain toxicology ye scientist hai ek matthew aur phila ठीक है इसको modern जो है वो father of toxicology भी कहा जाता है ठीक है इसने जो है वो first treatment in 1813 के अंदर जो है वो एक जर्नल जो है वो शाया किया था पब्लिश किया था टॉक्सिकोलॉजी जनरल ठीक है उसके बाद जो है ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी की हम बात करते हैं सबसे पहले आती है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी देन मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी फिर फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इंडस्ट्रियल को टोक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी बायोकेमिकल एंड मोलिकुलर टॉक्सिकोलॉजी प्रोडक्ट डिवेलपमेंट टॉक्सिकोलॉजी और लास्ट पे जो है वो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी अब जो हम देखते हैं फ्रेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ठीक है इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है कि फ्रेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है इसका मेन फोकस मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल एक्सपोजर एंड टॉक्सिक इंजरी मतलब इसका जो है वो ज़्यादा फोकस या इसका काम किस पे है कि केमिकल जो है या ड्रग्स का जो है वो इनकशाफ करना या जो है वो टॉक्सिकिया या पॉइजन को जो है वो आइडेंटिफाई करना ठीक है इनफुलेंजिक लैब ठीक है अब जो है टॉक्सिकोलॉजी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है इनफ्लुएंसिक है वो तीन लेवल हो सकते हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग मतलब किसी भी ड्रग या केमिकल का जो है वो किसी पर्सन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कितना हुआ है ठीक है उसके बाद एलिसिट कंपाउंड्स मतलब किसी कंपाउंड को चेक करना हो कि मिसाल के, के तौर पर कोई बंदा जो है वो हीरोइन वगैरह जिस जिसपे जो है वो कानूनी तौर पर पाबंदी लगी हुई है वो बना रहा है उसको भी हम चेक कर सकते हैं इलिसिट कंपाउंड उसको कहेंगे इसका जो है वो एक दूसरा यूज़ टॉक्सिकोलॉजी का जो है वो इसलिए हो जाएगा उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई पर्सन जो है जिसकी डेथ हुई है हमने फाइंड करना है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से तो नहीं हुई तो उसको भी हम जो है वो फ्रेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो स्टडी और उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं अब हमारे पास हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं सबसे पहले क्या है कि डोज़ जो है वो मेक्स द पॉइज़न ठीक है वही बात जो मैंने शुरू में की है कि डोज़ जो है मकदार जो है वो डिसाइड करेगी कि उस स्पेसिफिक ड्रग की जो है वो कंसनट्रेशन एक लेवल है उससे जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा पॉइजन बनाना शुरू कर देगी ठीक है मतलब पॉइजनस हो जाएगी उसके बाद कंसनट्रेशन जो है किस उस केमिकल की कितनी है उसके बाद जो है वो किस तरह इंट्रैक्शन कर रहा है दूसरों के साथ और लास्ट पे जो है वो विच फैक्टर आर ऑफ इम्पॉर्टेंस मतलब कौन सा जो है वो फैक्टर जो है मतलब थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो पर्टिकुलर जो है वो ड्रग्स या हमारे पास एलिमेंट है जो पॉइजनस जो है वो कॉज कर रहे है। उसके बाद हम जो है बात करेंगे कि सैम्पल जो हैं टू बी एनालाइज्ड इन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी मतलब कौन कौन से सैंपल्स जो हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी जो है वो है या नहीं है या कितनी है ठीक तो सबसे पहले है यूरिन उसके बाद है ब्लड उसके बाद हेयर सैंपल औरल फ्लूड उसके बाद है कुछ अदर बॉडी फ्लूड्स हैं और लास्ट पे जो है वो अदर सैंपल्स तो हम वन बाय वन जो है इसको देखते हैं कि हम कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एनालाइज़ कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है यूरिन के मोस्ट कॉमनली जो है ना यूज़ होता है ये जो है एज अ सैंपल के तौर पे क्यों क्योंकि पर्सन यूजिंग ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम गेट ऑक्सीडाइज इंस्टेंटली फ्रॉम द ब्लड मतलब एक बंदा जो है वो काफ़ी देर से जो है कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो वो सबसे पहले ब्लड में जाएगी लेकिन ब्लड में जो है वो किसी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो सकती है ठीक है लेकिन यूरिन में जो है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है वहाँ पे रहती है ठीक है उसके बाद सेकंड है कह रहा है कॉमन अमंग ड्रग टेस्टिंग फॉर एम्प्लॉयज एंड एथलीट्स ठीक है मतलब वर्कर्स वगैरह और एथलीट्स खिलाड़ियों वगैरह में अगर हमने चेक करना हो ड्रग टेस्टिंग तो उसमें भी जो है ये कॉमन जो है वो यूज़ होता है यूरिन सैम्पल उसके बाद कह रहा है यूरिन सैम्पल जो है क्विक है एंड ईजी फॉर अ लाइव सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जॉन ने जो है हमारे पास ड्रग है यूज़ कह रहा है कि जो बंदा यूज़ करता हो तो हम उसको जो है वो यूरिन के थ्रू 14 डेज़ के बाद भी जो है हम चेक कर सकते हैं कि इसने जो है वो कितनी डोज जो है वो यूज़ की है या पॉइजन काज की या नहीं की ठीक है ये था बाय यूरिन सैंपल हमने जो है वो एनालिसिस किया उसके बाद है ब्लड ब्लड जो है इसमें हम देखेंगे कि मतलब सबसे पहले ब्लड सैंपल कितना लेते हैं फिर जो है इसकी कंसनट्रेशन रेंज कितनी होनी चाहिए फिर हम जो है वो अल्कोहल और ब्लड की कंसनट्रेशन जो है वो इसको डिस्कस करेंगे तो ब्लड सैंपल की बात करें तो कह रहा है कि टेन सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यूजली जो है हम लेते हैं स्क्रीनिंग के लिए और कन्फर्मेशन के लिए टोक्सी सुबस्टांसिस की ठीक है उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीज़ कन्ज्पशन ऑफ अल्कोहल कैन कॉज टॉक्सिकोलॉजी कि अगर अल्कोहल की कन्ज्प्शन जो है वो एक हद से एक कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाए कन्ज्पन उसकी तो वो कॉज करेगी टॉक्सिकोलॉजी इफ मेटाबॉलिज्म मतलब इसकी वजह क्या है कि मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो पहले की उसमें ज़्यादा होगा और अल्कोहल जो है वो अफेक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को अब जो ये है ये कंसनट्रेशन रेंज भी बताई है कि अगर 0.12 से 0.32 ppm की रेंज में हो ठीक है ब्लड के अंदर क्या अल्कोहल की कंसनट्रेशन ठीक है तो ये डिज़ीज़ कॉज करती है यूफोरिया, ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है डिक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस ऑफ जजमेंट इसी तरह जो है वो लॉस ऑफ सेंसरी मोटर फंक्शन जो है वो इसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब होते हैं अगर जो है अल्कोहल की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर 0.35 से 0.50 ppm की रेंज में हो तो इसकी वजह से जो है वो ये क्या कॉज करेगा कोमा इन अ पर्सन उसके बाद अगर इसकी कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 0.45 पिकोमीटर हो तो ppm हो पार्स पर मिलियन तो ये जो है वो कॉज करती है डेथ अब हम देखते हैं कि ब्लड अल्कोहल कंसन्ट्रेशन जो है इसको हम जो है वो देखते हैं कि कैसे हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी है इसको हम बी ए सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन ठीक है ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है एज अ मैट्रिक ऑफ ड्रंकनेस फॉर लीगल एंड मेडिकल पर्पज़ इन ड्रंक ड्राइविंग केसेस मतलब किसी बंदे ने जो है वो ड्रिंकिंग वगैरह करके जो है वो ड्राइव कर रहा है उसको भी अंदर भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं ये ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन अब जो है हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास थोड़े से तीन चार मैथड्स जो हैं डिस्कस किए हुए हैं सबसे पहले क्या है ड्रंकोमीटर ठीक है ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था ये चेक करने के लिए कि अल्कोहल की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी है किसी ने अगर जो है वो इसको जो है वो इनल किया हुआ ठीक है तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था ड्रंकोमीटर ये साइंटिस्ट था बायरोला हार्जर इसने जो है इसको जो है वो डिस्कवर किया था तो इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है जिसने ड्रिंकिंग की होती है उसको चेक करने के लिए तो हम इसमें जो है वो पर्सन जो है वो एक बलून के अंदर जो है वो एयर को एक्सेल करता है ठीक है उसके बाद जो है वो इसको पोर कर देते हैं पोटाशियम पर सॉल्यूशन के अंदर ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है ठीक है मतलब किस रेंज से कलर रेंज जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ चेंज होना और किस पे ख़त्म हुआ वो जो अमाउंट होगी ना वो हमें बताएगी कि अच्छा इसने जो है वो इतनी अमाउंट जो है वो की जो है वो ली हुई है या डोज ली हुई है ठीक है तो सिंपल है कि पर्सन एक्सेल करेगा यार बलून के अंदर ठीक है और उसके बाद जो है इसको हम पोटाशियम पर के अंदर जो है वो ठीक है पोर करेंगे उसके बाद क्या होगा कि इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए जिस वैल्यू से चेंज होना स्टार्ट हो उस रेंज से जहाँ तक होता जाए वो जो है वो अमाउंट होगी हमारे पास अल्कोहल की कंसनट्रेशन उसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंटोक्सीमीटर है ये भी बिल्कुल जो है उसी तरह काम करता है जैसे हमारे पास ड्रंकोमीटर बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है वो अल्कोमीटर है इसमें क्या होता है कि ये बेस होता है वर्किंग करता है ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर ठीक है किसके दरमियान ईथानोल एंड डाई आयोडीन पेंटा ऑक्साइड रिएक्शन होता है इसके अंदर मतलब कि एक चीज रिड्यूस हो रही है दूसरी जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है मतलब इथानोल जो कह रहा है कि ऑक्सीडाइज करता है कि इसको डाई आयोडीन पेंटा ऑक्साइड को और ख़ुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है जिसके रिजल्ट में क्या होता है चेंज ऑफ कलर होता है फिर वही बात जहाँ से चेंज ऑफ कलर स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके जहाँ तक होता गया तो हम जो है वो उस रेंज में जो है हम देख लेते हैं उसकी अमाउंट कितनी है तो इससे हम फाइंड कर लेते हैं कि ये इसकी जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो कितनी अल्कोहल की ब्लड के अंदर और फोर्थ है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट मतलब हम जो है वो डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखते हैं उससे जो है वो वेवलेंथ डिटेक्ट कर लेते हैं उससे भी हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी है अब सेकेंड है हमारे पास हेयर सैंपल के हेयर सैम्पल के थ्रू भी हम एनालिस कर सकते हैं कि हेयर जो है कह रहा है कि ये कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मीडियम मतलब बहुत लंबे अरसे तक जो है ये डोजेज सब्सटेंस को जो है वो अपने अंदर स्टोर रख सकता है ठीक है तो केमिकल्स इन ब्लड स्ट्रीम में भी ट्रांसफ़र टू द ग्रोइंग हेयर एंड स्टोर्ड इन द फोलिकल कि जो केमिकल यूज़ हुए हैं डिटेक्ट करने वो कहा वो क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू ग्रोइंग हेयर और स्टोर होते हैं इन फोलिकल के अंदर ठीक है उसके बाद कह रहा है कि हेड हेयर ग्रोज एट रेट ऑफ जो हमारे हेड हेयर की ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली वन टू वन पॉइंट सेंटीमीटर जो है वो ग्रो करते हैं अ मंथ एंड सो क्रॉस सेक्शन जो है ना इसका डिफरेंट सेक्शन ऑफ फोलिकल्स का जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें बताता है कि ये जो है सब्सटेंस कब जो है वो किसी पर्सन ने इसकी डोज लेना शुरू की थी ठीक है तो हेयर सैम्पल जो है ये लॉन्ग टर्म जो है रिकॉर्डिंग जो है वो एक मीडियम है उसके बाद हमारे पास एथिकल फैक्ट्स के टेस्टिंग फॉर ड्रग्स इन हेयर इज़ नॉट स्टैंडर्ड थ्रो मतलब के हेयर जो है हम इसको स्टैंडर्ड नहीं कह सकते कि मतलब थ्रू आउट द पॉपुलेशन जो है ये बस जो हम देख लिया यही रहेगा लेकिन कह रहा है कि द डार्कर एंड क्रॉसर द हेयर मतलब जितने जो हैं वो डी और क्रॉसर जो हैं वो घने या मजबूत जो हैं वो हेयर होंगे द मोर ड्रग डैट विल बी फाउंड इन द हेयर उतनी ज़्यादा जो है वो ड्रग कंज्यूम होगी मिसाल के तौर पर दो पीपल दो लोग हैं ठीक है उन्होंने सेम जो अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो कंज्यूम की है ठीक है एक के जो है पर्सन के जो हेयर हैं वो जो है वो थोड़े से मज़बूत हैं और दूसरे के जो हैं वो थोड़े से थिन हेयर हैं लाइटर हैं ठीक है तो क्या होगा कि जब उसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि जिसके जो है वो डार्कर एंड कोर्सर हेयर थे उसके अंदर जो है वो ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी एज़ कंपेयर टू द अदर ठीक है उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो सैम्पल हम औरल फिलुड भी ले सकते हैं एनालिसिस के लिए कि द यूज़ ऑफ औरल जो है इज़ गेनिंग इम्पॉर्टेंस इन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी फॉर शोइंग रिस ड्रग यूज़ मतलब रिसेंटली जो है वो उसने ड्रग यूज़ किया है नहीं तो इसलिए जो है कह रहा है गेनिंग जो है ये अहमियत जो है वो गेन करी जा रहे है। है रहा है औरल फीलूड जो है कह रहा है इज़ द प्रॉपर टर्म ठीक है इसको मतलब जो है वो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि सलाइवा भी जो है वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कॉमनली औरल फूड जो है इज़ कम्पोज ऑफ मैनी कम्पोनेंट्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग्स टिपिकली पैरल टू दोज फाउंड इन ब्लड मतलब वही कंसनट्रेशन जो है हम बंदा डोज ले रहा है तो क्या ओरल फ्लूड के थ्रू दैन जो है मूव कर जाती है एंड टू द ब्लड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल डाटा हाईली प्रोटीन बाउंड इन ब्लड विल है लोअर कंसनट्रेशन इन औरल फ ठीक है मतलब कह रहा है कि ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल जो हैं जो टाइटली जो हैं वो या हाईली जो है वो प्रोटीन बाउंड हैं ब्लड के अंदर उनकी कंसनट्रेशन जो है वो औरल फ के अंदर या सलाइवा के अंदर जो है वो कम होगी ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है दूसरे भी हमारे पास अदर बॉडी फिलूर्ड हैं जिनके थ्रू हम जो है वो सैंपल एनालिसिस कर सकते हैं कि पॉइजन या टॉक्सिसिटी को हम जो है वो चेक कर सकते हैं ड्रग्स को चेक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कह रहा है अदर बॉडी फिल्यडस एंड और ऑर्गन्स में प्रोवाइड सैंपल्स पर्टिकुलरली सैंपल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग अटोपसी ऑटोप्सी हमारे पास क्या है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को हम जो है वो अटोपसी कहते हैं ठीक है कह रहा है कि इसके अंदर जो है हम ये गैस्ट्रिक कंटेंट तो जो है मतलब किसी डिसीज पर्सन का अगर हम जो है वो चेक करना हो कि ये इसकी कौन सी ड्रग यूज़ कर रहा था कितने टाइम से पॉइजनस है कि वजह से थोड़ी तो डेथ हुई ठीक है तो हम जो इसका गैस्ट्रिक कंटेंट्स भी जो है उसके कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो कह रहा है इन हाइली डिकम्पोज बॉडी ऐसी बॉडी जो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है ठीक है तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल सैंपल्स हैं उसके अंदर जो है वो गेन करना आसान नहीं है तो फिर क्या है कि उसके हम विट्रस ह्यूम जो हैं जो आई बॉल है ठीक है आई के अंदर प्रेजेंट है आई के अंदर तो वहाँ से हम जो है वो कलेक्ट करते हैं सैंपल ठीक है क्यों क्योंकि एज द फेबरेस लेयर ऑफ आई बॉल जो हमारे पास फेबरस फाइब्रस लेयर है आई बॉल की और आई सॉकेट जो है आई की उसको सेल इसकाल ने क्या किया हुआ है प्रोटेक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से उसको कोई भी जो है वो डल्ट्रेशन या ट्रोमा का जो है वो शौक नहीं लगेगा और सैम्पल जो है वहाँ पर वैसे ही जो है प्रोटेक्ट रहेगा और उस सैंपल के थ्रू हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं अदर कॉमन ऑर्गन यूज़ फॉर टॉक्सिकोलॉजी मतलब दूसरे कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं सैम्पल या ऑर्गन हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी के लिए तो ब्रेन से हम ले सकते हैं लिवर से स्प्लीन से स्टोमेज कंटेंट से ठीक है ये तो हमारे पास अदर बॉडी फिल्य से सैम्पल्स जो है वो एनालिसिस या एनालिसिस जो है वो कर सकते अदर में हमारे पास कह रहे हैं कि मैगट्स जो है एक इंसेक्ट है और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है कह रहा है डैट मे हैव इन तो अगर कोई ना कोई वो सब्जेक्ट मैटर अपने अंदर लेके जाते हैं ना तो उसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस की जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है ठीक है अब हमारे पास है एंटी एंटीमोटॉक्सिकोलॉजी ये क्या है रहा है इनैल्सिस है टॉक्सिन का ऑर्थोपोड्स के अंदर लाइक फ्लाइज है बीटल्स हैं जो हमारे पास क्या है जो डेट फीड ऑन कैरन ठीक है जो फीड करती है मतलब कैरन को फीड करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है कि ये जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी जो है वो इसके साथ साथ जो है वो इंजेस्ट करेगी उसके बाद डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स के ड्रग्स को जो है हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कह रहे हैं डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स इज़ यूजुअली डन बाय सबसे पहले क्या है इनिशियल स्क्रीनिंग या उसके बाद जो है वो कंफर्मेशन ऑफ कंपाउंड ठीक है ये स्क्रीनिंग और कंफर्मेशन जो है हम बाद में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है उसके बाद है इंक्लूड है क्वान्टशन ऑफ कंपाउंड के उसकी कंपाउंड की क्वांटिटी कितनी है और स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन यूजुअली कह रहा है कि यूज मोस्ट कॉमनली यूज़ हम करते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ठीक है इसको हम दूसरी भी एनालिटिकल टेक्निक्स के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रोमेंटेशन के सबसे पहले यह क्रोमेटोग्राफी कह रहा है ये यूज़ होती है इन एग्जामिंग वोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देन ए डिटेक्शन ऑफ मेटल्स के लिए जो है वो रेंज टेस्ट जो है वो यूज़ होता है मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे डाइफ्रैक्शन हम यूज़ करके जो है वो मेटल्स की डिटेक्शन कर सकते हैं और जो द कंपाउंड सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग अ मेटल आर ट्रेडिशनली एनाल्ड बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बाई केमिकल और थर्मल ऑक्सीडेशन कह रहे हैं कि जिस कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड है उसके अंदर हमने देखना है कि मेटल जो है वो उसको हमने क्या करना है सस्पेक्ट या एग्जामिन करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि उसका जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है ना उसको किसी केमिकल या थर्मल ऑक्सीडेशन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएंगे और वहाँ से जो है वो मैट्रिक्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा कह रहा है कि हमारे पास मेटल जो है वो आइडेंटिफाई और उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इन इनऑर्गेनिक रेजिड्यू के अंदर ठीक है ये थी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब हम जो है वो क्या क्या चीज़ यूज़ करके हम जो है वो अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड की हमने जो है वो फाइंड करनी हो कि उसकी कंसनट्रेशन कितनी है तो हम जो है वो अगर ऑर्गेनिक करनी हो तो गैस कर्मेटोग्राफी बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेटल्स की करनी हो तो मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे डाइफ्रैक्शन ठीक है इसी तरह जो है हम इसको बाई डिस्ट्रक्शन मैथड के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं उसके बाद टेस्टिंग टाइम क्या है कह रहे हैं कि अब जो है ना मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सुबस्टांस ठीक है और कौन सा मटेरियल जो है वो हमारे पास है उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई करके हम जो अपना रिज़ल्ट जो है वो निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद कह रहे हैं बायोलॉजिकल सैम्पल्स आर मोर कम्प्लेक्स टू एनालाइज क्यों क्योंकि फैक्टर सच एज मैट्रिक्स अफैक्ट मतलब जो चीज़ हमने एनालाइज़ करनी है उसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट कम्पाउंड प्रेजेंट हैं ठीक है और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और कॉन्जुगेशन जो है वो हो सकती है टारगेट कंपाउंड्स के साथ क्लियर है यहाँ तक उसके बाद है टेस्ट ठीक है टेस्ट जो है हम किस तरह परफॉर्म करते हैं फोरेंसिक के अंदर ठीक है टॉक्सिकोलॉजी ये पॉइजन या ड्रग को चेक करने के लिए ठीक है कॉमनली हमारे पास दो टेस्ट यूज होते हैं एक को हम नाम देते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट का और दूसरे को हम नाम देते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट का सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं ये यूज होता है टू तो रीड आउट लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन फ्रॉम कंसनट्रेशन मतलब कंसनट्रेशन के हिसाब से हमने देखनी है कि कौन सी नंबर मतलब जो है वो ड्रग्स और पॉइजन जो है वो कॉज कर रही है ठीक है उसके बाद है कह रहा है कि हमारे पास मोर देन वन थाउजेंड जो है वो ड्रग्स जो है वो नाउन है ठीक है वन थाउजेंड टू टेन थाउजेंड की रेंज में होती हैं मतलब नाउन है उसके बाद है कैन नॉट जो है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते किसी ड्रग को करेक्टराइज़ करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते लेकिन किसके लिए यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई क्लास फ्रॉम ऑल ड्रग्स विच काज पॉइजन मतलब जितनी भी क्लासेस हैं ना ठीक है उनमें से हम एक क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी क्लास है जिसकी वजह से पॉइजन जो है वो कॉज हो रहा है ये सिंपल ये कह सकता हूँ कि कौन सा जो हमारे पास कंपाउंड है जिसकी कंसनट्रेसन जो है वो इंक्रीज हुई है और जिसका डोज जो है वो जब ज़्यादा होने लगा है एक रेंज से तो उसने जो है वो पॉइजन जो है वो पॉइजनस बन गया है ठीक है सिंपल है मतलब अल्कलाइड है हशीश है मेरी जाना ये जो है ड्रग्स हैं ठीक है तो इनमें से कोई भी जो है आइडेंटिफाई करके क्लास जो है हम उसको करेक्टराइज नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू अब जो है कह रहा है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना हमें दो चीज़ें देता है क्या एक फॉल्स पॉजिटिव और एक फॉल्स नेगेटिव ठीक है फॉल्स पॉजिटिव क्या हमने जो है वो स्क्रीनिंग की हमारे पास जो है वो एक सब्सटेंस आया हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट है लेकिन जब हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं ना तो उसके अंदर जो है वो उस तरह वो कोई सब्सटेंस जो है वो होता ही नहीं है ठीक है तो क्या कि पर्टिकुलर सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट जब हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं लेकिन जब कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअल में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता इसको हम नाम देते हैं फॉल्स पॉजिटिव का उसके बाद है फॉल्स नेगेटिव कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एब्सेंट मतलब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो कोई सब्सटेंस जो है वो नहीं आया ठीक है हम कह रहे हैं कि ये एबसेंट है लेकिन जब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये तो प्रेजेंट है इसको हम नाम देते हैं फॉल्स नेगेटिव का अब जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का जो है वो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है कि हमने जो है वो कंसल्ट्रेशन फाइंड आउट करनी है या क्लास फाइंड आउट करनी है इतनी ज़्यादा ड्रग्स में से कौन सी ड्रग जो है वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है और पॉइजनस जो है वो कॉज कर रही है ये था स्क्रीनिंग टेस्ट उसके बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका क्या काम है इसने कंफर्म करना है कि जो हमने ड्रग या क्लास जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट से की है कि वो वाकई में प्रेजेंट है या नहीं है तो इसे जो है वो कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट अब जो है हम दो तीन जो है वो डिस्कस करते हैं कि कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं फ्रेंजिक के अंदर कौन से रीजेंट यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो टोक्सी फ्रेंजिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो या पॉइजनस या ड्रग जो है वो फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले कह रहा है कि यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं मर्कस टेस्ट ये यूज होता है किसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्लास है ओपिएट्स ठीक है और दूसरी क्लास है एम्फी एम्फीटामाइंस ठीक है मतलब ये दो क्लासेस के लिए जो है वो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे मर्कस टेस्ट ठीक है तो इसमें क्या होगा कि हम जो है वो मर्कस रिएजेंट जो है वो डालेंगे एक है फॉर्मल्डिहाइड है टू टू फाइव परसेंट ठीक है इसकी कंसनट्रेशन हो सकती है और एच टू एस ओ फोर जो है वो दूसरा मर्कस रिएजेंट होगा ठीक है जब हम जो है वो इसको सैम्पल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा अगर उसका कलर जो है वो पर्पल आए तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओपीएट्स ठीक है अगर उसका कलर सैंपल के मतलब हमने जो है वो फॉर्म एल डी हाइट और एच टू एस ओ फोर के साथ मिक्स किया तो उसका कलर जो है वो औरजिश ब्राउन आया तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एम्फीटा माइंस ठीक है ये था हमारे पास मर्कस टेस्ट जिसको हम परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो है क्लास दोनों में से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंट है उसके बाद सेकंड टेस्ट है हमारे पास मैंडिलन टेस्ट ठीक है तो ये क्या इसका काम है कि यूज़ होता है फॉर अल्कलट्स ठीक है इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसीजर जो है हम जो है वो मैंडलिन रिएजेंट यूज़ करेंगे वो क्या होता है वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ अमोनियम वनडेट है ठीक है और साथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या करेंगे हम जो है इस रिएजेंट को जो है वो सैंपल के अंदर मिक्स करेंगे तो इसका जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर उसका कलर जो है वो ऑरेंज रेड है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है वो कोकेन जो है वो प्रेजेंट है ठीक है अगर उसका कलर ओलिव हो तो हम कहेंगे कोडीन जो है ड्रग जो है प्रेजेंट है ठीक है अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है वो ब्राउन कलर आया है तो वहाँ पे जो है वो हीरोइन मतलब हम जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट अब इसलिए कर रहे हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं कि जो हमने क्लास फाइंड की जो पॉइजनस या ड्रग काज कर रही थी जिस वजह से जो मतलब हमारे पास पर्सन है फ्रेंसिक के अंदर उसने कितनी देर से वो यूजेज कर रहा है अगर किसी की डेथ हुई है तो वो किसी पॉइजनस ड्रग की वजह से उतनी हुई अगर हुई है तो कितनी देर से जो है वो यूज़ कर रहा था ठीक है इसी तरह जो है मतलब इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं भाई चेंज इन कलर हम जो है ये रिजन डालेंगे उस सैम्पल के साथ मिक्स करेंगे और कलर के हिसाब से हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि अगर जो है वो हमारे पास रिजल्ट ऑरेंज रेड आया तो हम कहेंगे कि कोकिन जो है इसकी डोज़ ली थी इसने इसके बाद ओलि कलर आए तो कोडीन की अगर ब्राउन आए तो हीरोइन थर्ड जो है हम देखते हैं लास्ट में हमारा जो है स्कोर टेस्ट ये किसके लिए यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोकेन के लिए ठीक है अब हमारे पास जो है ये दो रिजल्ट देता है हमें एक देता है फ्री बेस कोकेन एक देता है कोकेन हाइड्रोकलोराइड ठीक है फ्री बेस को काइन मतलब इसका क्या है कि कोई अगर बेसिक सब्सटेंस जो है हमारे पास आए तो वो हम कहेंगे फ्री बेस कोकाइन जो है उसके अंदर उस क्लास के अंदर और अगर जो है कोई एसिडिक सब्सटेंस हमारे पास हो तो वो जो है वो ककिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो उसके अंदर बॉम कर देगा ठीक है अब हमारे पास कोड रीजेंट जो है वो कौन से यूज़ होते हैं इस प्रोसेस या इस टेस्ट के अंदर तो एक क्लोरोफॉम है और दो सोल्यूशन है एक को हम नाम देते हैं सोल्यूशन ए और एक को हम नाम देते हैं सोल्यूशन बी का सोल्यूशन ए क्या है जीरो पॉइंट वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट एसीटेट उसको किसके अंदर डिजॉल्व करते हैं मीथानोल आइसोप्रोपाइल के अंदर और उसके बाद उसके अंदर कुछ ड्रॉप जो हैं ग्लेशियल एस्टिक एसिड के जो है हम ऐड कर देते हैं ये है सोल्यूशन ए ठीक है सोल्यूशन बी क्या है आइसोप्रोपाइल अमाइन है जिसको हम मिथिन के मिथेन के अंदर जो है वो डिजोल्व कर देते हैं मतलब सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी और क्लोरोफोन तीनों रेजेंट जो है वो मिक्स करते हैं सैंपल के अंदर ठीक है अगर तो वो बेसिक सब्सटेंस जो है बेसिक रिजल्ट दे तो हमारे पास जो है वो फ्री बेस को केन प्रेजेंट होगी अगर जो है वो एस्टिक दे तो हमारे पास क्या होगा वो हाइड्रोकलोराइड ठीक है ये तो हमारे पास स्कॉट टेस्ट जो किसके लिए यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोकेन ठीक है होप कि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है ठीक है हम किस तरह जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं किस तरह हाँ जो है वो पॉइजनस काज करती है डोज ठीक है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर एंड थैंक यू